हार्ट द हार्ट इज एन organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it. तो हार्ट क्या है हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कॉन्टीन्यूसली बीट करता है और वो एक पंप के समान एक्ट करता है जैसे हमारे घर में पंप होता है मोटर होती है जिससे पानी को चढ़ाती है ऊपर हमारी टंकी तक इसी तरह से हार्ट जो होता है वो एक पंप के समान एक्ट करता है जो कॉन्टिनुअसली बीट करता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और साथ में वो दूसरे सब्सटेंसेस को भी कैरी करता है मतलब कि लेकर जाता है इमेजन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग एब्सोल्यूटली इम्पॉसिबल आप कल्पना करो कि आप एक पंप है जो कॉन्टिन्यूसली कई सालों तक काम कर रहा है और रुक नहीं रहा है स्टॉप नहीं कर रहा है एब्सोलूटली इम्पॉस मतलब बिल्कुल ही असंभव जैसा लगता है ये येट अवर हार्ट वर्क लाइक अ पम्प नॉन स्टॉप फिर भी हमारा एक हा, हमारा जो हार्ट होता है वो पम्प के समान नॉन स्टॉप काम करता है मतलब वो रुकता नहीं है लेट इस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट अब हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं द हार्ट इज लोकेट इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट तो हार्ट है हमारे चेस्ट की कैविटी कैबिटी मतलब खालिज है उसमें होता है और इसकी लोअर टिप थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ टिल्ट करी भी, करी हुई होती है मतलब जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि थोड़ी सी ये टेढ़ी है टिल्ट करी हुई है लेफ्ट की तरफ ठीक है होल्ड योर फिंगर्स टू वर्ड्स ऑन योर इनवर्ड्स इन योर ऑन पाम आप अपने हाथ की जो uh, उंगलियां जो हैं वो हथेली की तरफ पाम की तरफ जो है उनको आप मोड़ो और एक मुट्ठी जैसे बनाओगे तो जो आपका आ, फिस्ट बनता है जो मुट्ठी जो बनती है इतना हार्ट का साइज होता है दैट मेक्स योर फिस्ट योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट तो अंदाजन लगभग आपके मुट्ठी के साइज़ का जो हमारा हार्ट जो है वो होता है वॉट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद इचदर तो जैसे कि हमारा ये हार्ट है ठीक है ना हार्ट का स्ट्रक्चर है तो वी कैन सी यहाँ पर रेड कलर का ब्लड दिख रहा है और ये वाइट कलर ब्लू कलर का दिख रहा है तो जो रेड कलर वाला है ये है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में फ्लो करता है ये और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है मतलब जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो साफ़ नहीं होता है वो हमारे हार्ट के राइट right साइड में फ्लो करता है ठीक है अब ये दोनों ब्लड मिक्स ना हो इसके लिए क्या चीज़ होती है अब दोनों इन राइट और लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है उसके बीच में एक पार्टीशन होता है एक वॉल टाइप की होती है जैसे ये है ठीक है इससे ब्लड जो होता है वो मिक्स नहीं होता है ठीक है इसके अलावा हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो जैसे कि फोर चैम्बर्स के नाम क्या होते हैं दो अपर चैम्बर्स होते हैं ये एक तो ये अपर चैम्बर है एक ये अपर चैम्बर है जो ऊपर के चैम्बर्स होते हैं उन्हें अट्रिया कहते हैं ठीक है तो ये वाली जो होगी दिस इज़ लेफ्ट अट्रिया एंड दिस इज राइट अट्रिया ठीक है ऐसे जो नीचे के दो चैम्बर्स होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल तो ये चार चैम्बर्स के नाम भी आपको याद होने जो हैं वो ज़रूरी हैं ठीक है और इन चार चैम्बर्स जो हैं इनमें ब्लड फ्लो करता है और लेफ़्ट साइड और राइट साइड ऑफ हार्ट के बीच में एक वॉल होती है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड मतलब कि ऑक्सीजन वाला जो साफ खून है उसको और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उन दोनों ब्लड को मिक्स नहीं होने देती है अगर ये दोनों ब्लड टाइप के ब्लड अगर मिक्स हो जाते हैं तो जो पर्सन जो है ही विल नॉट बी एबल टू वर्क मतलब तो उसकी बॉडी इतनी एफिशियटली जो है वर्क नहीं कर पाएगी सो so, um, यहाँ से हम रीड कर रहे हैं वॉट विल हैपन टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज फोर चैम्बर्स तो ऐसा ना हो इसके लिए हार्ट के फोर चैम्बर्स होते हैं द टू अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द अट्रिया अपर चैम्बर्स को ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अट्रिया कहते हैं एंड द टू लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स Helps to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. Okay, I think aapko yahan tak hoga. to understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart and follow the arrows. These arrows show the direction of blood flow from heart from the heart. टू द लंग्स एंड बैक टू दार्ट फ्रॉम वेयर इट इज बॉन्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी अब अगर आपको हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पता करना है या फिर आ, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में मालूम करना है तो इसमें यहाँ एक पिक्चर दी हुई है जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बताती है एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड नॉ लिसन वेरी केयरफुली इसमें आपने देखो कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे मतलब कि इस वाली साइड से ठीक है तो रेदर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स हम लंग्स से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड मतलब कि जो हमारा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो लंग्स में होती है लंग्स के अंदर जब हम इनहेल करते हैं तो जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और जब हम एक्सहेल करते हैं मतलब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम बाहर छोड़ देते हैं ठीक है ना तो इन्हलेशन और एक्सलेशन की प्रोसेस लंग्स में होती है गैसेस का जो है वो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का अभी ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट तक आता है ठीक है ऑक्सीजन रिच ब्लड और पल्मोनरी वेन के बाद से हार्ट में आने के बाद आर्टरी के थ्रू हमारी बॉडी की पूरी सेल्स में वो चला जाता है और सारी सेल्स के अंदर आर्टरीज जैसे हमने पढ़ा था आर्टरीज छोटी छोटी बहुत फाइन ट्यूब्स जिन्हें कैपलरीज कहते हैं उनमें डिवाइड हो जाती हैं ऑक्सीजन बॉडी की सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैपलरीज पिक करती हैं यहाँ कैपलरीज यू कैन सी ज्वाइन हो रही हैं कैपलरी ज्वाइन के वेन बनाती हैं और वेन के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड अब ये जो ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ठीक है क्योंकि जो वो पिकअप करी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वापस से, से हार्ट में आता है हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड वापस से कहा जाता है लंग्स में और लंग्स में क्यों जाता है ये जिससे कि वापस से वहां पर जो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल हो सके ये सारा आप इसके बारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी इनहलेशन एक्सलेशन रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी पड़ेंगे ठीक है तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ब्लड का जो है वो ब्लड पूरी बॉडी में हमारे घूमता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ठीक है तो फाइन यहाँ पर आपका हार्ट का फिनिश होता है नेक्स्ट हमारा आता है हार्ट बीट ना वॉट इज अ हार्ट बीट द वॉल्स ऑफ द चैंबर्स ऑफ द हार्ट मेड अप ऑफ मसल्स मसल्स के बने होते हैं हमारा हार्ट जो है मसल्स का बना होता है कार्डिक मसल्स का दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिद्मिकली ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब सिकुड़ते हैं रिलैक्स करते हैं मतलब कि वापस से फैल जाते हैं दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाई द एक्सपेंशन या रिलैक्सेशन इज कॉल्ड अ हार्ट बीट अब जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना हार्ट के मसल्स का इसे हम बोलते हैं हार्ट बीट ठीक है और ये दस्पिन हो कि हार्ट बीट पूरी फॉर एवर अवर लाइफ हार्ट बीट जो है हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट अगर आप अपने हाथ को अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में रखेंगे तो आपको अपनी हार्ट बीट फील हो पाएगी मालूम पड़ेगा आपको हार्ट आपका बीट कर रहा है धड़क रहा है द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट डॉक्टर आपकी हार्ट बीट फील करता है विद द हेल्प ऑफ एंड इंस्ट्रूमेंट कॉल स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप की हेल्प से फील करता है तो तो स्टेथोस्कोप का, का काम क्या होता है इट एम्प्लीफाइज द साउंड ऑफ द हार्ट ठीक है अब डॉक्टर यूजेज द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्प्लीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट एम्प्लीफाई करना मतलब कि उसको बढ़ा देना हार्ट की साउंड को वो बढ़ा देता है स्टैथोस्कोप इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस एज यू कैन सी कि इसमें एक चेस्ट पीस होता है स्टेथोस्कोप के अंदर जो वो आपके Uh, मतलब हार्ट पे लगाता है जहाँ पे हार्ट है आपका चेस्ट के ऊपर एंड इट सेंसिटिव कैरीजिव ठीक है इस चेस्ट पीस के ऊपर एक डाया होता है टू ईयर पीसेस दीज आर ईयर पीसेस एंड अ ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स और एक, एक ट्यूब होती है जो इनको पार्ट्स को ज्वाइन करती है डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप ठीक है तो आपके हार्ट कैसे काम कर रहा है क्या कंडीशन है आपके हार्ट की ये डॉक्टर को मालूम पड़ता है जब वो आपके हार्ट बीट को चेक करता है अगर इवन अगर आपका फ़ीवर भी है तो फीवर भी डॉक्टर को सिर्फ उससे चेक करके ही मालूम पड़ जाता है कि यू आर हैविंग फीवर नो एक्टिविटी सेवन पॉइंट टू में एक ये मॉडल है मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप है जो आप बना सकते हैं